नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोरनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। पटना को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए मिशन टोटल सेग्रीगेशन का शुरुआत किया गया है। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बिहार के जो माननीय राज्यपाल हैं और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा इस कार्यक्रम के शुरुआत किए हैं। नितिन नवीन जो विभागीय मंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार के जो माननीय राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। उसको अलग करना या एक मिशन लेकर या एक ध्येय लेकर चलने का संकल्प करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ऐसे इस बहुत ही अहम और शुभ अवसर पर मंच पर मेरे साथ उपस्थित हैं बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री नंदकिशोर यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री मेरे मित्र सम्राट चौधरी जी, मेरे मित्र विजय कुमार सिन्हा जी, नगर विकास मंत्री श्री नीतीश नवीन जी, नितिन नवीन जी, सांसद रविशंकर प्रसाद जी, विधायक श्री संजीव चौरासिया जी, पटना नगर निगम के महापौर श्रीमती सीता साहू जी, उप महापौर श्रीमती रेशमी कुमार जी, सचिव श्री अभय कुमार जी, आयुक्त अनिमेश कुमार पराशर जी, अपर नगर आयुक्त श्री राजन सिन्हा जी, सभागार में बैठे हुए सभी विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधित्व करने वाले सभी साथी, अनेक यहाँ सफाई कर्मचारी, एनसीसी के स्टूडेंट्स, एनएसएस के स्टूडेंट्स, अन्य सभी विभिन्न एनजीओ के प्रतिनिधि, उपस्थित सभी बहनों और भाई, आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम यहां से जाने वाले हैं, एक संकल्प लेकर जाने वाले हैं, एक निश्चय करके जाने वाले हैं। और वह निश्चय यह है कि हमारा पटना अपना पटना चकाचक पटना होगा। यह संकल्प लेकर हम जाने वाले हैं और इसको करके दिखाने वाले। संकल्प केवल बोलने के लिए नहीं होता, संकल्प करके दिखाने के लिए होता है। ऐसे ही संकल्प एक 10 वर्ष पूर्व दिल्ली के लाल किले से एक व्यक्ति ने संकल्प किया था। 15 अगस्त को अपने देश के प्रधानमंत्री वहां खड़े रहे थे और उन्होंने स्वच्छता का एक संकल्प लिया। वैसे हम जानते हैं कि लाल किले के प्राचीर से जो भाषण होते हैं, हमारी देश की स्थिति कैसी हो, हमारी आर्थिक व्यवस्था कैसी हो, गरीबी हम कब हटाएंगे और अंतरराष्ट्रीय संबंध हमारे कैसे रहेंगे। लेकिन इस दुनिया में पहली बार देखा कि भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से भाषण कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, शौचालय बनवाने की बात कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान की बात कर रहे हैं। सब लोगों ने पूछा, मेरे यहाँ पूर्व वक्ताओं ने इसका उल्लेख भी किया है कि ऐसे कैसे प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। लेकिन इस देश ने देखा, इस देश की जनता ने देखा कि प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं वो हमारी निजी व्यवस्था के बारे में, हमारे व्यवहारों के बारे में, हमारी स्वच्छता के बारे में कर रहे हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री सबसे हटके प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने जब बात कही तब सब लोगों को आश्चर्य लगा। कुछ दिनों बाद अपने देश के एक बहुत बड़े
कभी भी लिखा नहीं था। हमारे इस देश के प्रधानमंत्री ने आपको बातें किया, बुरा हो या अच्छा हो, लेकिन आपने अभी लिखा ना, आपने इसकी दखल ली, प्रधानमंत्री ने आपको बाध्य किया। इसी तरह प्रधानमंत्री ने हमारे सामने जो विषय रखा वो हमारी निजी व्यवस्था के बारे में था। आज हम संकल्प लेने के लिए आए हैं। एक पूर्व वक्ता ने, यहाँ वक्ता ने कहा कि राज्यपाल इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, मुझे उसमें थोड़ी सी सुधार उसमें करना है। राज्यपाल इसकी अध्यक्षता नहीं कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए कोई भी अध्यक्षता नहीं कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री है, विधानसभा के अध्यक्ष है, माननीय मंत्री जी है, माननीय विधायक सांसद सभी है, राज्यपाल भी है, लेकिन इनमें से कोई अध्यक्षता नहीं कर रहे हैं इस कार्यक्रम के। अगर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कोई कर रहा है तो आप हैं, आप ही इसके अध्यक्ष हैं। आपकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है और आप ही इस कार्यक्रम को संपन्न करके दिखाएंगे। यह आपका संकल्प है, आपका कार्यक्रम है, आप इस कार्यक्रम को अपनाएंगे तब जाकर यह कार्यक्रम सफल हो जाएगा। हमको बताया गया है कि किस ढंग से करना है। मेरे मित्र नितिन नवीन जी इसमें बहुत गहराई से सोचकर उन्होंने कार्यक्रम बनाया है। उन्होंने सोचा है कि हमारे इस पटना शहर को चकाचक करना है, स्वच्छ हमने और जयते इस प्रदेश को धीरे धीरे हम पूरा स्वच्छता के रूप में आगे लाएंगे, ऐसा विषय लेकर वो आए हैं। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, सरकार के मंत्रियों ने इसको पूरा समर्थन दिया है, पूरी तरह इसमें सभी और सहभागी है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें पूरी तरह सहभागी हो जाएंगे। हमारे घर में पूरा उसके बक्से रखेंगे हम, कुछ मतलब सेल्फी विद डस्टबिन, ऐसा उन्होंने अपने मंत्री जी ने कहा ना, इसमें ध्यान में रखना है। हमारे पड़ोसी के डस्टबिन के साथ सेल्फी नहीं, हमारे घर में जो डस्टबिन है उसके साथ सेल्फी होनी चाहिए। हमारे घर में जो है डस्टबिन उसके साथ सेल्फी, इसका अर्थ यह है कि हमारे हर घर में डस्टबिन होने की जरूरत है, यह होने की आवश्यकता है। इसको लेकर हम जब आगे बढ़े